हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एक्सेल की, आमतौर पर आज इस टाइम पर मैं वीबीए की वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन कुछ कारणों से आज वीबीए की वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है, तो कल इसी टाइम पर फिर अपलोड होगी वीबीए की वीडियो। चलिए आइए देखते हैं एक्सेल में आज नया क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्री का नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हमारे पास ये इस तरह की एक डिटेल आपको दिख रही होगी कि बीच बीच में बड़े गैप है, ठीक है। और यहाँ पर तो नाम दो चार लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 नाम है। और अगर यही नाम रिपीटेड हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ऐसी स्थिति में ये नाम तो अब बढ़ गए। तो अगर हम एक एक करके करना शुरू करेंगे तो ये तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो फिर इसका इलाज क्या है, कैसे इसको सही किया जाए, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा, ठीक है। आप देखिए, आप पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट, यानी कि कंट्री छोड़ करके जहां जहां गैपिंग है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट कर लेने के बाद एक छोटी सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है। तो इसको सेलेक्ट करिए, देन कंट्रोल के साथ एच प्रेस करिए और यहां पर स्पेस के साथ टीडल बटन प्रेस कीजिए। अब एक बड़ा अनोखा बटन है जो शायद आपको ना पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, आई होप कि आपको पता जरूर होगा, टीडल बटन। तो टीडल बटन एकदम जो कीबोर्ड है ना आपका, ऊपर आपको ESC दिखता होगा यानी एस्केप बटन, और उसके ठीक नीचे आपको टीडल बटन मिलता है, ये वाला टीडल बटन है, देख सकते हैं ये जो है क्या है, टीडल बटन है। और इसको शिफ्ट के साथ आपको दबाना है, ठीक है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, देखिएगा ये टीडल बटन है, ठीक है। और यहां पे करिएगा रिप्लेस ऑल, क्या करना है आपको, रिप्लेस ऑल करना है। और ये करते ही एक जादू होगा, और वो जादू ये है, देख सकते हैं सारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और कल से तैयार रहिएगा, कल वीबीए के वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।